दोस्तों 25 अक्टूबर के बाद बांग्लादेश कभी भी फट सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा, बांग्लादेश इज अबाउट टू एक्सप्लोड। बशानी साहब, बांग्लादेश की सूरत हाल बड़ी सीरियस है। बांग्लादेश में एक बार फिर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। देखें, बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान से निकला हुआ है ना, पाकिस्तान। बांग्लादेश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है और इस दफा बांग्लादेश के स्टूडेंट की डिमांड है कि उनके जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन रिजाइन करें। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। 24 घंटे का टाइम दिया, अगर 24 घंटे से पहले पहले रिजाइन नहीं करते तो फिर बांग्लादेश के अंदर उसी तरह के दंगे भड़काए जाएंगे जैसे हम लोग भड़के मारते हैं, कुछ कर नहीं सकते पाकिस्तानी। हाँ। वैसे ही वो भड़के मारते हैं, अवाम अपना गुस्सा निकालते हैं। ये प्रदर्शन दिन ब दिन उग्र होता जा रहा है, जिससे देश के राजनीतिक हालात गंभीर होते जा रहे हैं। इस समूह के एक प्रमुख नेता ने अपराधी तक कह दिया। हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है। हाँ। जितने भी इस्लामी कंट्री हैं। हाँ। कि एक मुसलमान लीडर ने एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली। सबसे अहम चीज जो मैंने नोटिस की है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया। हाँ। जा रहा है। कुछ लोगों को तो ये भी मैंने मतलब लिखते हुए और पढ़ते हुए सुना कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बना, लेकिन माइंडसेट वही पाकिस्तान वाला है। वाकई ऐसा है। तुम मुसलमानों में खराबी हुआ है जो तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट हो। तुम लोगों की जो दिल में नफरत है दूसरे लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एथियस्ट के लिए, तुम लोगों में खराबी है। तो बस सुखी बदमाशियां दिखा रहे हैं। अच्छा। कि भाई बदमाशियां दिखा रहे हैं, उससे दिखाने से कुछ भी नहीं होगा। इंडिया या एक मेजबान मुल्क है, ठीक है, बड़ा मुल्क है। आप सबसे बुरे, हम सब पे मुंह के ऊपर तमाचा है। हाँ। जितने भी इस्लामी कंट्री हैं। हाँ। कि एक मुसलमान लीडर ने। हाँ। एक मतलब है कि हिंदू स्टेट में जाके पनाह ली है। किसी मुस्लिम कंट्री शेख हसीना नहीं गई। हाँ। सऊदी अरब चली जाती। हाँ। पाकिस्तान आ जाती, ठीक है, अफगानिस्तान चली जाती। हाँ। किसी से इस्लामी मुल्क से तो कहती ना कि मुझे पनाह दें, उसके और करीब। मगर उसको पता था कि मेरा सारी उम्र हमारे मेरे सर पे हाथ उसी ने रखा है ना, इंडिया ने रखा है, बांग्लादेश को स्टैंड उन्होंने किया है। तो जाहिर सी बात है उसको पता था कि ये हमें धोखा नहीं देगा, तो वो चली गई। जिस तरह वो डिमांड कर रहे हैं, मतलब बांग्लादेश के लोग शोर कर रहे हैं कि जी इसको दे दो, हम इस पे केस करेंगे, हम ये करेंगे, तो इंडिया कभी भी उसको नहीं देगा। तो इंडिया प्रेशर में भी नहीं आएगा। इंडिया किस क्या पिद्दी का शोर हुआ। इंडिया किस लिए प्रेशर में आएगा। हाँ। ना उनके पास बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है ना। हाँ। कोई उनके इतनी बड़ी फोर्स है। हाँ। भूखे नंगे तो वैसे हैं। अच्छा। ठीक है, डिफॉल्ट वो है। अच्छा। देखो, जंग तो वो करते हैं जिसके के साथ। देखे, मैं अगर यहाँ बदमाशी करता हूँ ना, मेरे साथ 10-20 लोग हों तब मैं बदमाशी करूंगा ना। अच्छा। अकेला मैं बदमाशी करूंगा, यही उल्टा सारे मुझे मारेंगे। सुखी पन्ने कहाँ है, सुखी बदमाशियां कर रहे हैं ना, जेब में पैसा है ना टका है, तो ये वो सुखी बदमाशियां कर रहे हैं। सुखी बदमाशियों से कुछ भी नहीं होगा भाई, सीधी सीधी बात है। देखिए, अपने मुल्क को किसी एक रास्ते पे ले जाओ। अब अगर देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश में, क्योंकि जब 5 अगस्त को शेख हसीना का हुकूमत का तख्ता पलटा और वो अपनी जान बचा के वहां से भागे, ठीक हो गया, तो उसके बाद देखा तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हालात नॉर्मलाइज होते नजर आए थे। इंडिया ने इवन दो जो ट्रेड थी उसको भी सस्पेंड नहीं किया। डेली खाने पीने की चीजें बांग्लादेश में जा रही हैं। इसके साथ साथ बांग्लादेश के मरीज आज भी इंडिया में जो है अपना हालात जो है इलाज वगैरह करवा रहे हैं। और फिर एक दफा मोहम्मद यूनुस की सरकार एंटी इंडिया हो रही है। तो इतने बड़े मुल्क से पंगा लेना इस वक्त क्या बांग्लादेश के लिए अच्छा साबित होगा, आपसे भी बात करेंगे। अब मुझे जो है बहुत सारी धमकियां आती हैं मुसलमान लोगों से कि हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, अपना चैनल बंद करो, ये वीडियोस नहीं बनाओ। ये झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप इस्लाम को के बारे में बात कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अरे मैं कोई इस्लाम को, मैं तो बात ही नहीं करती इस्लाम के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कितने झूठे हो, फ्रॉडी लोग हो। कोई नहीं भी इस्लाम के बारे में बात कर रहा होता तुम लोग झूठा इल्ज़ाम लगाते हो उसका मुंह बंद करने के लिए, झूठा ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाते हो। मैं तो सिर्फ जो खराब मुसलमान है मैं उनके बारे में बात करती हूँ कि भाई तुम लोग खुद अपने मजहब को बदनाम कर रहे हो। पूरी दुनिया तंग आ चुकी है तुम लोगों से। इंडिया तंग आ चुका है, आतंकवादी है। यूरोप ये तंग आ चुका है आतंकवादी वादियों की वजह से। अमेरिका तंग आ चुका है। इवन सऊदी अरेबिया और इस टाइप के जो मुल्क है वो भी पाकिस्तानियों को इन्वाइट नहीं करते हैं। खराबी तुम लोगों के अंदर है, खराबी तुम लोगों के अंदर है, इसलिए पूरी दुनिया तंग है। मेरी ये कोशिश है कि भाई तुम लोग सुधरो, तुम लोग समझो, क्योंकि मुसलमान अगर अपने आप को नहीं सुधारेंगे, इवन जो अच्छे मुसलमान होंगे फिर वो भी लोगों की पकड़ में आएंगे। कोई ये नहीं देखेगा कि आप अच्छे मुसलमान हैं या बुरे मुसलमान हैं, सब हमें बुरा ही समझते हैं मुसलमानों को।
तो कुछ नहीं, मुझे अफसोस होता है, लोग तो चाहते हैं कि भाई मैं अपना चैनल बंद कर लूं, मैं जो सच्चाई है इन लोगों की मैं बताऊं नहीं, ये चाहते हैं मेरा मुंह बंद करने के लिए। ठीक है, पाकिस्तान जैसे सड़े हुए मुल्क में मैं अभी होती तो मेरा तो मुंह कब का बंद किसी ने कर लिया होता, बल्कि मेरी तो हिम्मत नहीं होती बोलने की। मेरी हिम्मत है भाई, मैं यूके में बैठी हुई हूँ फिर भी यहां पर भी खतरा है, क्योंकि इस टाइप के जाहिल किस्म के लोग जो है इस मुल्क में भी आ चुके हैं, एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट, कोई पसंद नहीं करता इन गुंडों को, गलत फहमी है। जो मुझे मैसेजेस आए उनमें तो फकर से बोला जा रहा है, अरे बहुत मुसलमान हैं जो गुंडे हैं जो यूके में रहते हैं, तो तुम जो हो ना ये बातें करना बंद करो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, मगर हमने तुम्हारी नजर रखी हुई तुम्हारे ऊपर, और मुझे यार धमकियां दे रहे मेरी जान की, धमकियां दे रहे मेरी जान की, और फिर बोल भी रहे हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अजीब किस्म के लोग हैं, अंग्रेजी इन लोगों को बोलनी आती नहीं, सही से टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझे मैसेजेस करते हैं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसने इनको आने दिया इस मुल्क में, यूके में किसने आने दिया आप लोगों को, शर्म नहीं आती आप लोगों को? असाइलम सीकर्स हैं आप लोग, रेफ्यूजीज हैं आप लोग, झूठी कहानी आप लोगों ने गढ़ी है कि आपको बहुत परेशानी हो रही है आपके मुल्क में, उस बेसिस में आप लोग यूके में आए, यूरोप में आए, और फिर यहाँ पे यानी झूठ बोल के आए हैं और फिर अपने औकात दिखा रहे हो तुम लोग यहाँ पर आके। बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ, इंडिया इज द अमेरिका ऑफ द सबकॉन्टिनेंट राइट नाउ। जैसे सर ने बात की ना, कि जो एक ताकतवर और जो हमादावे वाली बात होती है वो इस टाइम इंडिया के पास है। जैसे अभी आपने बात की कि इंडिया से वहाँ से ट्रेड जाती है, वहाँ पे इलाज ली जाती है, हमारे यहाँ से भी लोग चेन्नई में अपना पाकिस्तान से भी लोग ट्रीटमेंट हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने चेन्नई जाते हैं। इंडिया के पास हर चीज मौजूद है, इंडिया ने अपनी हर चीज बेहतर की, इकोनॉमी बेहतर की, स्टडी बेहतर की, गो कि उनके बहुत ज्यादा मसाइल हैं, लेकिन उन्होंने आज अपने मुल्क को इस काबिल पहुंचाया कि गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचाई, वो भी इंडियन है, जो नेदरलैंड का ड्यूच बैंक है उसका मैनेजर इंडियन है, और उसके अलावा उन्होंने अपने आईटी सेक्टर को इतना मजबूत किया, उनके बेंगलोर में 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जिसपे सिर्फ आईटीज पे काम हो रहा है, और वो उन्होंने अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पर साबित किया। एशिया का जो रिचेस्ट आदमी है मुकेश अंबानी, वो वहाँ का है, अडानी बांग्लादेश में आज भी अडानी की बिजली यूज हो रही है, वो भी कर्ज पे, और इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। मैडम पाकिस्तान का मसला ये ना, यहाँ पे हर चीज की सहूलत है, मैं अगर आपको हर चीज की सहूलत दे दूंगा ना तो आप मेरी बात नहीं मानेगी। अच्छा। और पाकिस्तान के लोगों को गुलाम, इब्ने गुलाम और इब्ने गुलाम बनाने का रवाज है, और ये चलता आ रहा है। जैसे कि अभी अंकल ने बात की कि, और आपने उनसे सवाल किया कि वो क्यों किसी मुस्लिम नेशन कंट्रीज के पास नहीं गई, वी आर इजीली सेलेबल, हम बहुत जल्दी बिक जाते हैं। आप अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री को भी उठा कर दे ले, एज अ मुस्लिम हम सिर्फ मुसलमान घर में पैदा हो गए, इसके अलावा हमारा मुसलमान होने में कोई किरदार नहीं है। हम पाकिस्तान की जो 100% आवाम है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें से 105% आवाम झूठी है, 100 में से 105, क्योंकि हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना, 100 में से 105% झूठे हैं। मैं आपसे बड़ा कहता नहीं है, हाँ। जो कहता नहीं है वो उससे बड़ा झूठा हो जाता है, क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं हूँ, हाँ। तो मैंने आपको बताया हम दिन में 2 बार भी तो झूठ बोलते हैं ना, हाँ। तो 100 में से 105% आवाम हमारी झूठी है, हाँ। और अलमिया ये है कि उस 105% में से 110 कहती है कि हम सच्चे हैं, हाँ। क्या मैथ है ये, देखना ये क्योंकि हम दिन में 2 बार पे लागू हो जाएगा ये मैथ मैम बड़ी देर से लागू है। जिस तरह की आपने शेख हसीना वाजिद ने बात की ना, उन्होंने उस कंट्री के लिए काफी कुछ किया, हाँ। वो शेख मुजीबुर्रहमान, हाँ। की साहिबजादी है, उसने इस मुल्क के लिए काफी कुछ किया, लेकिन उन्होंने ना फिर एंड पे एक जागीर समझ लिया था कि सिर्फ मैं ही वन मैन शो, वन मैन आर्मी हूँ। जिस तरह यहाँ पे भी एक पाक आर्मी है जिसका नाम पाक आर्मी है, जिसकी एब्रीवेशन पाकिस्तान आर्मी से निकली। तुम लोग अगर बदनाम हो तो तुम लोग अपनी हरकतों की वजह से बदनाम हो, बल्कि मेरे चैनल पे तो सब आते हैं तो उल्टा तारीफ करते हैं कि काश सारे मुसलमान आपके तरह होते तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तुम मुसलमानों में खराबी हुआ है जो तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट हो, तुम लोगों की जो दिल में नफरत है दूसरे लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए, यहूदियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, एथियस्ट के लिए, तुम लोगों में खराबी है। गॉड जो है, जो क्रिएटर जिसने पूरी दुनिया और कायनात बनाई, वो क्यों चाहेगा कि आप दूसरे लोगों से नफरत करें? वो क्यों चाहे, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स क्यों चाहेगा कि आप लोगों को मारे भाई जान से? आपको सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है आपके पास सोचने के लिए? ये चीजें सिर्फ शैतान से आ सकती हैं, इस टाइप की बातें कि आपको मारना है लोगों को, या जान से मारना है, या टेररिस्ट अटैक करना है, ये कोई गॉड की तरफ से कभी भी, कोई खराब चीज कभी भी गॉड की तरफ से नहीं हो सकती है। ज्यादातर मुसलमानों के पास सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है, कोई इनको समझाने की कोशिश करे भी तो उस इंसान को उल्टा पकड़ते हैं, उस इंसान के ऊपर उल्टा 10 झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, मुंह लोगों का बंद कराया जाता है। ये क्या तरीका है?
कोई भी सेंसेबल इंसान होगा, अगर ये मुसलमान अपने आप को सुधारते नहीं है, कोई भी सेंसेबल इंसान होगा वो खुद इस्लाम से फिर हट जाएगा। मेरा भी दिल नहीं चाहता कि मैं मुसलमान बनी रहूं, मेरा नहीं दिल चाहता है तुम लोगों की वजह से। तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट बन चुके हो, तुम लोगों के दिल में नफरत है लोगों के लिए, तुम लोगों से पूरी दुनिया तंग आ चुकी है, तुम लोग ना कोई प्रोग्रेशन कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बस अजीब प्लॉटिंग कर रहे हो कि लोगों को मारने की, लोगों का जीना हराम करने की, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही हो, तुम लोग वही घिसी पिटी सोच लेके अपने चल रहे हो। उम्मीद नहीं लगाना कि कोई तुम लोगों को बर्दाश्त करेगा। सब जो तरीके के लोग हैं, हिंदू भी हैं, जूश लोग भी हैं, क्रिश्चियंस भी, पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो तरीके से चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बदतमीजी करें या दादागिरी करते फिरें और सब आपको बर्दाश्त करेंगे। सब तंग आ चुके हैं तुम लोगों से, सब तंग आ चुके हैं। जो अच्छे मुसलमान हैं फिर वो भी इसमें घिसते हैं, उनके ऊपर भी अटैक्स होते हैं, लोग उनको भी फिर तंग परेशान करते हैं कि हम सबको लोग टेररिस्ट समझते हैं। हमें भाई जीने दो, हमें जीने दो और खुद भी, और दूसरे लोगों को भी जीने दो और खुद भी जियो भाई। एक ही गॉड ने जिंदगी दी है, वो तुम लोग बर्बाद करो नफरत में। बच्चों के दिल में नफरत का बीज डाला जाता है शुरू से, वो फिर बनता है बुरा इंसान, वो इंसान फिर बन जाता है बच्चा, इनोसेंट जो बच्चा होता है, बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको गंदगी डाली जाती है एक्सट्रीमिज्म की। ये जानबूझ के डालते हैं लोग, जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन बच्चों का इस्तेमाल करा जाता है अपने गंदे घिनौने कामों के लिए। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि जैसे शेख हसीना वाजिद को और मोदी साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, और जब जब बांग्लादेश के अंदर भूख होती थी, बांग्लादेश के अंदर मसले होते थे, तो शेख हसीना वाजिद भारत जाती थी, वो उन्हें पैसे भी देते थे, मदद भी देते थे। बांग्लादेश के अंदर आज भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि शेख हसीना, क्योंकि मोदी साहब की सपोर्टर थी, वो हिंदुओं की सपोर्टर थी, इस वजह से हमने उसको निकाला। लेकिन आज भी अगर देखा जाए, तीन साइड से बांग्लादेश को इंडिया का बॉर्डर लग रहा है। आपको क्या लगता है कि बार बार ये जिस तरह से इंडिया को थ्रेट कर रहे हैं, अब अगर इंडिया ने रिएक्ट किया तो बांग्लादेश का क्या बनेगा? देखें, यकीन करें, अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश अलहदा ना हुआ होता ना, तो बांग्लादेश को इंडिया ने घास भी नहीं डालनी थी, ठीक है, पूछना भी नहीं था, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसको क्या तकलीफ पड़ी है कि दूसरे के मुल्कों को पंगा लेने की, उनकी फिक्र करने की। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान को उसने नीचा दिखाने के लिए। और देखे, जब कोई मजलूम यहाँ किसी के साथ ज्यादती होगी ना, हाँ। तो सबसे पहले जो करीब वाला उसकी मदद करेगा ना, ठीक है। जब बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने ज्यादती की, तो फिर इंडिया ने मजबूरन उसकी मदद की कि उसको खड़ा किया, ठीक है, कि एक तो उसका हमसाया था, उसका हक था, उसने उसको मदद की, इसलिए मदद की और उसको यहाँ तक पहुँचाया। अब यकीन करें कि तीन चार महीने तक बांग्लादेश पहले पाकिस्तान से भी बहुत आगे तरक्की कर रहा था, जा रहा था, पता नहीं ये मतलब कहां से कोई मतलब इशू छोड़ा गया है, क्योंकि पाकिस्तान में आग लगानी हो तब सियासतदानों को उंगली कर दो, किसी भी बांग्लादेश में भी लगानी हो तो सियासतदानों को आगे कर दो। अभी देख लें कि पाकिस्तान के क्या हालात चल रहे हैं, एक इशू कोई और हो रहा होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म हो जाए, तीसरा शुरू हो जाता है। ये जानबूझ के सारा ड्रामा किया कि बांग्लादेश ऊपर ना चला जाए, कहीं ये भी एटम बम ना बना ले, कहीं ऊपर ना चला जाए। तो बांग्लादेश तो जो है इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहा है, खा उनका रहे, पी उनका रहे, बिजली उनके यूज कर रही है, मेडिकल वीजेज उनके यूज कर रहे हैं, ऊपर से धमका रहा है कि शेख हसीना को अगर हमारे हवाले नहीं किया तो इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। और मोहम्मद यूनिस जो के कहते हैं ना सो कॉल्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, वो कभी चाइना के साथ हाथ बढ़ाते नजर आते हैं तो कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाएंगे। असल में हसीना वाजिद का तोड़ बांग्लादेश में कोई नहीं था। अच्छा। हसीना वाजिद ने बड़ी मुश्किल से स्ट्रगल करके, समय लेके, इंडिया की मिन्नते करके, समाजत करके अपने मुल्क को कहाँ पे लेके गई है, ठीक है, ठीक है, उसका तोड़ कोई नहीं था। अब और सियासतदानों को ये चीज हजम नहीं हो रही थी।